हर 3 महीने में पीयूसी करा लिया करो, ठीक है? हाँ बेटा। यार पापा, इस लड़की ने ना हमारा दिमाग खराब करके रख दिया। मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की ऐसा कर सकती है। उस दिन गोडाउन में जब वो हरकत की ना इसने, हम सक पका से गए थे पापा वहीं पे। और ये मैसेज देखिए, कैसे कैसे मैसेज भी कर रही है। बेटा, नंग बड़े परमेश्वर से ऐसा सुनते थे बचपन में, आप किसी नंगे को 10 गाली दे दो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही नंगा पलट के आपको 1 गाली दे दे सबके सामने, आपकी इज्जत वही तार तार हो जाएगी। ये लड़की उनमें से है, इससे बच के रहना पड़ेगा। पापा, वो हमने गार्गी से पहली बार झूठ बोला ना, तो वो बात अंदर से काट रही है हमें। ना बेटा, हमारे ख्याल से तुमने ठीक किया। गार्गी को बताते तो क्या बताते इसमें? हम ये नहीं कह रहे कि गार्गी तुम पर शक करेगी, ना। ये बच्ची बाकियों जैसी नहीं है। हाँ, परेशान जरूर होगी। सबसे पहले इस बात से परेशान होगी कि डैडी भाई साहब ने ये जी का जंजाल हमारे घर पर क्यों छोड़ दिया है। उस पर से गार्गी को तुम ये बताओगे? ना ना ना, हमारे समझ में नहीं आ रहा है डैडी भाई साहब के मन में क्या चल रहा है। आप फोन करके पूछिए उन्हें। हाँ, उन्हीं को फोन करके पूछते हैं। बेबी, इन लोगों ने बंदूक की नोक पे हमको अगवा कर लिया है। वो भी चर्चा कुछ नहीं बना रहे थे, सब बहाना है, यही लोग थे। हमको गोली मार देंगे, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको बचा लो। हेलो। हाँ, एड्रेस पता सब भेज रहे हैं तुम्हें, सीधे चली आना, नहीं तो अपनी मम्मी को भूल जाना, मार डालेंगे हम उसे। अरे बंद करो अपना पैं, आती होगी तुम्हारी बेबी। बेटा, जिस तरह से भागे जा रही है, हो सकता है इसकी कोई कमजोर कड़ी अपने हाथ लग जाए। फटाफट स्कूटी निकाल मनु बेटा। चलिए। भैया जल्दी चलाइए, थोड़ा निकाल लीजिए। भैया जल्दी चलाइए। दिख नहीं रही है। अरे बहन जी, बाद में चली जाना। पापा चलो चलो। अरे हटा, कहां गई वो? कहां चली माता जी? हम कहां जाएंगे? ये दोनों है ना, इनको टेस्ट कर रहे थे। हम कच्चे खिलाड़ी हैं, सीखना बाकी है। बताइए, कर दिया। ए, काय को लाओ तो? चलो बांधो। अरे चलो। अरे भैया देखो, कुर्सी गिर गई। कोई बात नहीं, हम उठा देंगे। तुम काय परेशान हो रहे? हेलो, क्या है? काट रहे फोन, समझ में नहीं आ रहा बिजी हो सकते हैं। क्या बेचना है, लोन, क्रेडिट कार्ड? तुम्हारी माँ की जान बेचनी है, खरीदोगी? कौन कौन बोल रहा है?
शालीमार होटल के रूम नंबर 303 में 1 घंटे में पहुंचो। हाँ हम आ रहे हैं। जहाँ बोला है 1 घंटे में वहीं मिलना। हम निकल रहे हैं। नहीं नहीं चीटिंग है, ये चीटिंग है, 6 नहीं हुए। छे इनके, 4 मेरे थे। हमसे नहीं हो पाएगा, हम हार गए, हार गए। ये गार्गी क्या बात है, जीत गई। क्या हम खा गए ना, हमारे पेट में दिक्कत हो गया, हम पचा के आते हैं। अरे 1 मिनट दूध पी लो, नहीं तो वो जामुन खा लो, डाइजेस्ट हो जाएगा। नहीं, वो पापा ने बचपन से एक ही तरीका सिखाया हमें कि मतलब आम खाओ तो सीधा बाहर जाओ, पापा से बात करो भी। अरे वाह भाई गार्गी, हम तो भाई गार्गी के फैन हो गए हैं, घर के चैंपियन को हरा दिया उसने। हाँ आम पचाने के लिए बाहर जाना, ये कौन सी तरकीब है? आखिर चल क्या रहा है मन्नू के दिमाग में? Excuse me, room number 303. आगे से राइट। ओके थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.